एवन को मैं स्पॉन हुआ था एक लकली एक विलेज के पास, इसलिए मैं जल्दी से यहाँ पर गया और एक विलेज के हाउस को छानने की कोशिश की। एंड जहाँ पर इसके अंदर मैं घर के अंदर गया तो लकली इस घर के अंदर बहुत ज़्यादा चेस्ट के अंदर ओपी सामान थे। एंड पहली बार मेरे इतना लक चल रहा था किसी 100 डे की वीडियो में, इसलिए मैंने इस सारे जो भी आइटम्स थे मैंने इसे पहन लिया और मेरे पास बहुत ज़्यादा ओपी आइटम आ चुकी थी। अब मैं चला था अपने अगले मिशन की ओर और मुझे उसके बाद याद आया कि मुझे वुड को भी यहाँ पर माइन करना पड़ेगा, मतलब तोड़ना पड़ेगा वुड को, इसलिए मैंने जल्दी से वुड को चॉप करने के लिए यहाँ पर जल्दी से आगे की ओर गया। एंड यहाँ पर अपने हिसाब से मैंने वुड को तोड़ लिया। एंड उसके बाद अब मेरा अगला मिशन था, मैंने जल्दी से वुड के साथ टूल बनाया अपने डायमंड के। एंड उसके बाद आगे की सफ़र के लिए निकल गया मैं आगे की ओर को। एंड अगर तुम यहाँ पर वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड ओ भाई यहाँ पर ओके, यहाँ पर मुझे कुछ बहुत अच्छा मिला, ओके ऑब्सीडियन एंड फ्लिंट एंड स्टील मिल गया, इसलिए अब मैं यहीं से पोर्टल बनाकर आगे के लिए जा सकता था। अब मैं जल्दी से यहाँ पर अपना पोर्टल बनाने के लिए स्टार्ट किया यहाँ पर पोर्टल बनाना, तो ओके यहाँ पर मैंने सब जगह ऑब्सीडियन को लगा दिया। एंड ओके यहाँ पर अब बस पोर्टल मेरा कम्प्लीट होने वाला है क्योंकि डे टू भी स्टार्ट हो चुका है। एंड गाइस यहाँ पर मैंने जल्दी से पोर्टल कर दिया कम्प्लीट। एंड यहाँ पर अब बस इस पोर्टल को एक्टिवेट करना है। एंड यहाँ पर मैंने पोर्टल कर दिया है एक्टिवेट, सो लेट्स गो विद दिस गाइस। तो जल्दी से चलते हैं इस पोर्टल के अंदर की ओर। आ चुका हूँ यहाँ पर अंदर की ओर, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है गाइस। एंड ओके सो के हम आ चुके हैं। एंड भाई यहीं पर हमें एंडर पॉइंट मिल गए हैं, आई ऑफ एंडर गाइस, माफ़ करना आई ऑफ एंडर मिल चुके हैं, यानी अब हम जल्दी से यहाँ पर ड्रैगन को ढूंढ सकते हैं। तो डे 4 स्टार्ट हो चुका है गाइस। एंड ओके गाइस अब जल्दी से चलते हैं एंड अपने जल्द से अपना ढूंढते हैं स्ट्रॉन्ग होल्ड को, जिसे हम जा सकें अपने ड्रैगन को मारने के लिए। जल्दी से चलते हैं गाइस। ओके तो जल्दी से चलते हैं। तो यार डे 10 को शुरू हो चुका है, डे 10 एंड जल्दी से यहाँ पर मैं आ चुका हूँ। एंड यहाँ पर मैंने ढूंढने की कोशिश की है। ओके तो यहाँ पर ही हमारा ये साइन कर रहा है, इसका मतलब हम जा सकते हैं मारने के लिए। एंड मुझे जाते जाते थोड़ा सा फ़न करना है, इसलिए मैंने इस आयरन गोलम को मारने का सोचा। तो जल्दी से इस आयरन गोल को मारते हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूँ एक हिट में इस आयरन गोलम को हम कैसे मार सकते हैं। सो अब तुम्हें मैं ट्रेनिंग देने वाला हूँ, सो देखो गाइस कैसे मार सकते हैं मैं। ओके तो देखो भाई एक हिट में ही ऐसे हमने मार दिया। एंड जल्दी से अब जाकर सो जाते हैं एंड उसके बाद चलते हैं नीचे की ओर एंड जाकर स्ट्रॉन्ग होल्ड को ढूंढते हैं। तो ओके गाइस यहाँ पर हमारा डे 11 शुरू हो चुका है, अब जल्दी से चलते हैं नीचे की ओर को। ओके तो यहाँ पर मैं जल्दी से नीचे को माइन कर रहा हूँ एंड माइन करते 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 यहाँ पर हम आ चुके हैं काफ़ी ज़्यादा नीचे की ओर। एंड मैंने वीडियो को स्पीड अप भी कर दिया है। एंड अगर तुम्हें चाहिए कि मैं इस फेक 100 डेज को कैसे मैंने रियल में किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। तो ओके यहाँ पर डे 15 हो चुका है एंड हमें ये स्ट्रॉन्ग होल्ड मिल गया है लकीली। एंड यहाँ पर जल्दी से ओके चलते हैं, हम यहाँ पर रख दिया। एंड ओके एक यहाँ पर भी, यहाँ पर ओके सो बस हमारा कम्प्लीट होने वाला है। एंड इसके अंदर जल्दी से चलते हैं, लेट्स गो गाइस, इसके अंदर जंप मारते हैं एंड गया इसके अंदर। तो ओके यहाँ पर हम आ चुके हैं एंड बहुत ज़्यादा ओपी लग रहा है आज तो यहाँ पर गाइस। एंड चाहते मैं कैसे एक्सपोज खुद को ही कर दूँ अपने जो 100 डेज मैंने बनाए हैं, सो इस वीडियो में ये कमेंट कर दो। ओके तो जाते जाते एक घंटे में ये मर गया, डे 15 के अंदर हमने कम्प्लीट कर लिया चैलेंज। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए।